तो जैसे आप देख रहे हैं ये मशीन में आपको प्रोडक्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ आ रहा है। ऊपर से सिर्फ आपको वुड सॉडस्ट डालना है या जो भी एग्री वेस्ट है उसका पाउडर डालना है, और यहाँ से आपका जो वुड फ्यूल है वो वुड फ्यूल आपको आ जाता है। तो ये वुड फ्यूल जो है वो एज अ फ्यूल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, छोटी बड़ी इंडस्ट्रियों में, बड़े बड़े बेकरी इंडस्ट्रीज़ में ये लग जाता है। ये अभी आप देख सकते हैं यहाँ से फाइनल आउटपुट आ रहा है। ये अभी ये जो मशीन है ये 50 HP कैपेसिटी की मशीन है, और इस मशीन में ये सॉडस्ट जो है वो सॉडस्ट का फाइनल प्रोडक्ट आपको वुड पैलेट बन जाता है। और ये 3 फेज से चलने वाली मशीन है, और इस मशीन को चलाने के लिए आपको अनस्किल्ड लेबर भी सफिशिएंट हो गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों बिज़नेस के जिक्र में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो दोस्तों आज आपको एक ऐसी मशीन से रूबरू करा रहा हूं जो आपको हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपए इनकम जनरेट करने का सोर्स बन सकती है। आप चाहे गांव में रहते हों, कस्बों में रहते हों या फिर शहर में, बस आपको चाहिए लकड़ी का बुरादा, रॉ मटीरियल लकड़ी का बुरादा जो टाल से निकलता है, और उस बुरादे से वुड पैलेट्स बनते हैं और ऐसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर कंसिस्टेंट हीट जनरेशन चाहिए होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल, जहाँ पर कांस्टेंट हीट पर ही किसी चीज़ को पकाया जाता है, तो ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। दोस्तों इस तरह की मशीनरी और इस तरह की जो एनर्जी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे देश में काफ़ी बड़ी डिमांड सप्लाई गैप है। तो ये बिज़नेस बहुत ही यूनिक रहने वाला है और बहुत ज़्यादा चलने वाला है। दोस्तों वुड पैलेट मशीन, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो भी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा कारोबार, अच्छा रोज़गार, अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, गर्मीलो दूरों जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिज़नेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिज़नेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिज़नेस कैसे करें का सुहाना सफ़र। तो दोस्तों ये एक ऐसा बिज़नेस है जो गांव, देहात, कस्बों में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिज़नेस है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसकी डिमांड उन इंडस्ट्रीज़ में है जहाँ पर कांस्टेंट एनर्जी चाहिए। किस तरह से पूरा बिज़नेस मॉडल काम करता है, मेरे साथ मौजूद हैं भारत एग्रीटेक के ओनर मिस्टर शेखर पत्रावले साहब, बहुत बहुत स्वागत है बिज़नेस कैसे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि अगर वो ये बिज़नेस करना चाहते हैं वुड पैलेट मशीन लगा के, तो किस तरह से पूरा बिज़नेस मॉडल काम करता है, अगर आप मुझे बता पाएँ सर। जी सर, ये बहुत सिंपल बिज़नेस है। इस बिज़नेस को सिर्फ एक टाइप का रॉ मटेरियल आपको चल जाएगा, जैसे वुड सॉडस्ट या जिसे आप बुरादा बोलते हैं, लकड़ी का बुरादा, ये इसका रॉ मटेरियल है। बस लकड़ी का बुरादा आपको प्रोसेस करना है, एक सिंगल प्रोसेस में फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है जो वुड पैलेट है। वुड पैलेट जो है वो हर बड़ी छोटी बड़ी इंडस्ट्री में लगता है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, जहाँ जहाँ पे बॉयलर रहते हैं वहाँ पे वुड पैलेट की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। आप कहीं किसी इंडस्ट्री में LPG जहाँ लग रहा था, यानी एनर्जी का एक्सपेंस बचाने के लिए, खर्च बचाने के लिए LPG लगता था, तो LPG की जगह पे भी ये लगभग 50% कम खर्च में जो वुड पैलेट है उसका मींस यूज़ हो जाता है, यानी एनर्जी का जो उनका एक्सपेंस है कंपनियों का वो काफ़ी हद तक बहुत एनर्जी एफिशिएंट है ये, तो इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, हर दिन बढ़ते जा रही है। और ये जो बिज़नेस है वो सिंपल, आप जितना जगह ये मशीन लगाने का देख रहे हैं उतनी जगह में, और रॉ मटेरियल रखने के लिए जितना जगह लगेगा उतनी जगह में ये बिज़नेस शुरू हो जाता है। राइट, तो अगर मैं इनकम की बात करूँ तो हर महीने कितना इनकम जनरेट कर पाएंगे मेरे दोस्त? वैसे वो जितना भी आप इनकम प्रोडक्शन पे डिपेंड है, तो आप अगर हर दिन का 1000-1500 किलो भी अगर वुड पैलेट बना सके तो हर दिन का 5000 से 8000 रुपये तक आप आराम से कमा सकते हैं। राइट, तो रॉ मटेरियल उनको स्टोर करके रखना पड़ेगा या वो साइकिल में ले सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है इस बिज़नेस की, कि इसमें जो रॉ मटेरियल है वो आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन जैसे डिमांड है, यानी कल की डिमांड आपको पता है तो आज आप उसका प्रोडक्शन करके दे सकते हैं, तो 1-2 दिन का इन्वेंट्री में ही रॉ मटेरियल के काम चल जाता है। राइट, तो मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, मतलब अगर वो मशीन लगा लेते हैं
तो उनको पहले से अपने क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, अलग अलग ढूंढने पड़ेंगे, या एक ही क्लाइंट बार बार बिजनेस देगा? हाँ, इस बिज़नेस की एक खासियत है कि इसमें आपको एक ही क्लाइंट कंटिन्यू आपको सर्व करता है। अगर मीन्स आपको एक ही क्लाइंट को सर्विस देनी है, अगर उसको आपका जो प्रोडक्ट है उसका कैलोरिफिक वैल्यू पे इसके रेट्स रहते हैं, यानी जो भी इनकम है वो कैलोरिफिक वैल्यू यानी क्वालिटी पे डिपेंड है। अगर आप किसी को दे रहे हैं और उनको वो परफेक्ट सूट हो गया तो वो आपको कंटिन्यू ऑर्डर उनका हर दिन का रहता है। यानी एक ही कस्टमर अगर आपको परफेक्ट मिल गया जिसका डिमांड यानी 2-3 टन का है हर दिन का, तो आप हर दिन 2-3 टन उसको देते रहिए, ज़िंदगी भर वो लेता रहेगा। परफेक्ट। तो इसको सेटअप करने में और इसको चलाने में कितने लोगों की ज़रूरत होगी? क्या हमें बहुत बड़ी लेबर चाहिए, स्किल लेबर चाहिए क्या? नहीं, इस बिज़नेस में आपको स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इस बिज़नेस में आपको रेगुलर लेबर चल जाएगा क्योंकि बहुत आसान प्रोसेस है। आप देख रहे हैं ये जो सॉडस्ट है, बस ये सॉडस्ट आपको डालना है और नीचे से आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है यहाँ से आ जाएगा। तो क्या कैपेसिटी है सर, कितना आ जाएगा ये? सर ये जो मशीन है इसमें अभी ये 50 HP वाला मॉडल है, इसमें अगर सॉफ्टवुड है तो वो 300 से 400 किलो प्रति घंटा आ सकता है, अगर हार्डवुड है तो थोड़ा बहुत 50-100 किलो कम ज़्यादा आ सकता है। तो ये कौन सा वाला मॉडल है सर, ये मीडियम रेंज है, कितने की पड़ेगी ये मशीन? ये मीडियम रेंज है सर, 50 HP का मॉडल है ये। इसकी कीमत अभी 12 लाख रुपया है विथ मोटर विथ पैनल बोर्ड, और ये आप इससे आप दिन भर का 2-3 टन बड़े आराम से प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर हाँ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।